सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याकरण में जो विराम चिन्ह यानी विराम चिन्ह ये पाठ आज हम देखते हैं। तो विराम चिन्हों का जो उपयोग होता है, तो अक्सर जो हम देखते हैं जो हमारे लिखान में वाचन में हम क्या करते हैं, विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो उनके माध्यम से हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चढ़ है, यानी जो हमारी आवाज़ होती है ऊपर वाली, तो वहाँ कैसे बोलनी है और कहाँ हमें पूर्ण विराम देना है, तो ऐसे अलग अलग जो चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो ऐसे ही आज हम विराम चिन्ह कौन से होते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है, तो आज हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखो विराम चिन्ह, इसका पहले हम अर्थ देखेंगे। विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना इसका अर्थ होता है। सरल अर्थ क्या इसका, रुकना या ठहरना। वाक्यों के बीच 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 में थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखो जब हम वाक्यों में बीच बीच में थोड़ी देर रुकते हैं, तो रुकने का जो संकेत होता है हमें किनसे मिलता है, विराम चिन्हों के माध्यम से मिलता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। अब देखो हिंदी में इतने विराम चिन्हों का प्रयोग होता है यानी उसका उपयोग होता है। तो पहला देखो पूर्ण विराम किसे कहते हैं, ये पूर्ण विराम इसे खड़ी पाए भी कहते हैं। दूसरा है अल्प विराम, ये देखिए इसे अल्प विराम कहते हैं। अर्ध विराम, ये अर्ध विराम ऐसे होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह इसे कहते हैं। विस्मयवाचक चिन्ह, इसे उद्गारवाचक चिन्ह भी कहते हैं। योजक या विभाजक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह से कहेंगे। निर्देशक चिन्ह यानी डैश, निर्देशक चिन्ह यानी डैश इस शब्दों के नीचे हम लगाते हैं। अब है विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या ऐसे होता है। कोष्टक चिन्ह, ये बड़ा कोष्टक और ये छोटा कोष्टक। हंसपद त्रुटिपूरक चिन्ह, हंसपद ये ऐसे ही होता है, हंसपद और ऐसे। और लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह ऐसे होता है। तो इस चिन्हों का हम बारी बारी चिन्ह उपयोग कैसे होता है और उसे कहाँ करते हैं, यहाँ देखने वाले पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पे पहला जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम चिन्ह, उसका उपयोग कैसे करना है हम देखने वाले। अब देखो पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ये आपको पता है। पूर्ण विराम चिन्ह जब हमारा वाक्य खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके बाद ये ऐसे पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो पक्षी दाना चुग रहे हैं, पूर्ण विराम। सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पे पूर्ण विराम। ये हो गया पूर्ण विराम, इसका उपयोग कैसे करना। अब दूसरा देखेंगे अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। इसका उपयोग देखो अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य बीच में रुकना पड़े तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो थोड़ा हमें रुकना है तो यह अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखो भारत में गेहूं चना बाजरा मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती, तो यहाँ पे हमने थोड़ा यहाँ पे रुक रुक कर ये चिन्ह यानी शब्दों के बीच में लगाया है, तो इस पर अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। अर्ध विराम चिन्ह देखो वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब देखो जैसे कि निरंतर प्रयत्नशील रहो, यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह। रुकना कायरता है, ये बड़ा जो वाक्य इसमें छोटा वाक्य हमें लगाने के लिए हमने ये अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अब आगे का है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई प्रश्न पूछते सामने वाले व्यक्ति को या लिखते समय तब हम इसका उपयोग करते हैं यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्न पूछते हैं तो।
यहाँ पे दिया है उदाहरण, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, प्रश्नार्थक चिन्ह यहाँ पे लगाया है। दूसरा जो वाक्य है, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, यहाँ पे प्रश्नवाचक। आगे का देखो, विस्मय की बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, विस्मय की बोधक है उद्गारवाचक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मय की बोधक चिन्ह कहते हैं। देखो इन जब वाक्य में कोई आश्चर्य, शोक, हर्ष यानी जो अपनी भावना होती है उनको दर्शाने के लिए विस्मयादि बोधक यानी उद्गारवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो देखो, वाह हम यह मैच भी जीत गए, छी यहाँ इतनी गंदगी क्यों है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक उद्गारवाचक चिन्ह लगाया है। आप देखो आगे का, योजक या विभाजक चिन्ह किसे कहते हैं, योजक या विभाजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि छोटा बड़ा, रात दिन, धीरे धीरे, उदाहरण जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। अब देखो जैसे कि जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो ऐसे हम दो वाक्य को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं योजक चिन्ह का। अब देखो आगे का है, निर्देशक चिन्ह यानी डैश चिन्ह किसे कहते हैं, कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेहा ने कहा मैं कल जाऊंगी, जब हमें कोई सूचना देनी है तो हमें कोई निर्देश देना है तो उसके बाद हम ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि नेहा ने कहा मैं कल जाऊंगी, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। अब देखो उदाहरण चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण चिन्ह, तो देखो यहाँ पे उदाहरण चिन्ह को दो प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पे उदाहरण चिन्ह जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एकहर यानी एकहर चिन्ह यानी उदाहरण चिन्ह ऐसे होता है, तथा दोहरे चिन्ह, दोहरे ऐसे होता है। अब देखो एकहर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपन्यास आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देखो एकहर अवतरण चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपन्यास, उपनाम सॉरी आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे रामचरित मानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण जो है, यहाँ पे जो उदाहरण दिया है क्या है, रामचरित मानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ पे जो तुलसीदास, यहाँ पे ये इकर अवतरण चिन्ह में लगा है। अब देखो रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर क्या है, महान कवि, तो ये इकर अवतरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे किया जाता है। अब आगे देखो दोहरा अवतरण चिन्ह देखेंगे हम। अब यहाँ पे दिया है दोहरा अवतरण चिन्ह प्रयोग कैसे करना है, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात अथवा कथन को जो का क्यों दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही क्या है, ईश्वर है, तो इसको ऐसे दर्शाने के लिए हमें यानी जो वाक्य में जो बात होती है हमारी यानी कथन होता है कि जैसे कि वैसे हमें उसे दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पे लगा है दोहरा अवतरण चिन्ह। अब देखो विवरण चिन्ह किसे कहते हैं, विवरण चिन्ह इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है या किसी विशेष विषय का विवरण देने के लिए, जैसे कारक के आठ भेद है। अब देखो यहाँ से कारक के आठ भेद है जैसे कि हम ऐसे बता रहे हैं, तो इसे विवरण चिन्ह है, तो इसको जो इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है यानी निर्देश यानी सूचना यानी किसी विषय का विवरण देने के लिए हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखो आगे का कोष्टक, वाक्यों के बीच में आए शब्दों शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे देखो कालिदास
संस्कृत के महान कवि को सभी जानते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये छोटा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं जो वाक्यों में। आगे का जो है त्रुटिपूर्वक चिन्ह यानी हंस पद, ये दूसरा ऐसे भी होता है हंस पद। आप देखो हंस पद का उपयोग लिखते समय जब कोई अंश शेष रह जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जब हम वाक्य लिखते समय कोई शब्द हमारा छूट जाता है लिखते समय, हम भूल जाते हैं, तो उसे बाद में दर्शाने के लिए उसे बीच में ऐसा हंस पद चिन्ह क्या होता है लगाया जाता है। तो इसका वाक्य हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ बगीचे में फूल खिले हैं, तो यहाँ पे हमें फूल ये क्या है भूल गए थे हम, इसको दर्शाने के लिए हमने ये चिन्ह लगाया बगीचे में फूल खिले हैं। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, अब यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे भूल गए हम तुमसे और पहले ही, तो यहाँ पे भूलने के बाद हमने ये चिन्ह लगाया। तो ऐसे कोई शब्द अगर छूट जाता है वाक्य में तो इसे हम बाद में इसे दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप इसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे का देखो आखिरी का लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, लाघव चिन्ह ये जो गोल होता है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो लाघव चिन्ह है, यहाँ पे बड़ा दिया है, हमें अंग्रेजी में इसे पूर्ण विराम भी कहते हैं छोटा सा अंग्रेजी, तो इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप करना है, जैसे कि हमारे स्कूल का नाम है लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय, तो इसे हमें संक्षिप्त में हम कैसे लिखते हैं LBS, ठीक है। कैसे हमें जो पूरा नाम है हमें इन्हें संक्षिप्त में करने के लिए, अभी आप देखो मैं लिख कर बताता हूँ, यहाँ पे लाघव चिन्ह दिया है BS, तो ये क्या है लाघव चिन्ह, जो बड़ा जो नाम था हमारे पाठशाला का, तो हमने संक्षिप्त में यहाँ पे LBS ऐसे लिखा। तो आपको समझ में आया लाघव चिन्ह का प्रयोग कैसे करते। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब इसका संक्षिप्त में क्या है MP, तो यहाँ पे हम लाघव चिन्ह लगाते MP। डॉक्टर का देखो यहाँ पे डॉग या यहाँ पे लाघव चिन्ह लगाया। तो ऐसे हमने आज पूर्ण विराम चिन्ह यानी कैसे इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग कैसे होता है, तो आज हमने ये पाठ देखा है। तो ऐसे आप चिन्ह का उपयोग आप लिखते समय पठन करते समय इसको आपको लगाना आना चाहिए और उसे दोहराना भी आना चाहिए, ठीक है। इसे एक बार फिर से लिखकर उसे अच्छे तरीके से याद करो, ठीक है।